हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा। आज की वीडियो में हम करेंगे 3 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जानते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्या कुछ हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इज़राइल के, सेकंड मालदीव के, थर्ड कजाकिस्तान के और फोर्थ लेबनान के। तो आपको बताना है कि हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेबनान के। लेबनान सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहला कथन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर 2020 को रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से USISPF के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में विशेष मुख्य संबोधन देंगे, यानी मुख्य रूप से संबोधित करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और सेकंड कथन है, देखिए, भारत अमेरिका, यानी अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम USISPF एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करता है। दूसरा कथन यह हो गया। और तीसरा कथन है, 31 अगस्त से शुरू होने वाले इस 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन की थीम यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस है। तो आपके सामने ये तीन कथन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो चलिए हम बता देते हैं, तीनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 आपका बिल्कुल सही होने वाला है, तीनों कथन सही ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में सितंबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, वियतनाम, रूस, जापान और अमेरिका। तो जो सही आंसर है रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। पहला कथन, 2 सितंबर 2020 कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB को मंजूरी दी है। और जो सेकंड कथन है, कथन नंबर दो, NPCSCB को सिविल सेवकों के लिए क्षमता विकास के लिए आधारशिला रखने हेतु बनाया गया है, ताकि वे भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से सराबोर रहें और विश्व भर की श्रेष्ठ पद्धतियों को सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना की करके कार्यान्वित किया जाएगा। और जो थर्ड कथन है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन NPCSCB के लिए पूर्णतः स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन व्हीकल SPV की स्थापना की जाएगी। तो आपके सामने ये तीन कथन है, आप तीनों कथनों को थोड़ा गौर से देख लें और कथनों को देखने के बाद कमेंट करें, बताएं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर सही रहने वाला है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको, यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव,
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009 संबंधित प्रावधानों के तहत की गई दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए खतरों की उभरती हुई प्रकृति को देखते हुए 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये गैरकानूनी गतिविधियों मतलब उन गतिविधियों में शामिल है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की कुल सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। कुल मिला के अभी हाल ही में घटना जो घटित हुई है, अभी भारत ने जो 118 ऐप ब्लॉक किए हैं, तो उन जो पबजी भी ब्लॉक किया गया है, तो उनके में जो कौन सी धारा का प्रयोग किया गया है, किस धारा के अंतर्गत ये ब्लॉक किए गए हैं, तो आपको इस प्रश्न का देखिए प्रश्न गौर से पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कौन सी धारा का प्रयोग किया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, 68 ए, 69 बी, 69 ए और 68 बी। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, 69 ए। तो डियर फ्रेंड्स, यह थे आज की करंट अफेयर, आज यानी 3 सितंबर 2020 की करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। आप इस तरह के MCQs देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप SK गुरुकुलम डाउनलोड कर लीजिए, SK गुरुकुलम। आप SK गुरुकुलम हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप से आप डेली करंट अफेयर क्विज और डेली करंट अफेयर की जानकारी और उसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही।